तो बढ़िया है। कोई बात नहीं, आज परी 1.5 महीने बाद स्कूल जा रही है समर वेकेशन के बाद, तो परी को थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना। परी कोई बात नहीं यार, जैसे अभी आज जा रही है ना, फिर एक आध दिन के बाद फिर आदत पड़ जाएगी। ठीक है, ओके, शो मी थम्स अप, बाय। और परी परी के यहाँ पे बाल बनते हुए और ये परी अपनी नेक्स्ट ड्रेस में तैयार हो चुकी है स्कूल जाने के लिए, और ये परी की हाउस ड्रेस है। हेलो परी, और क्या हाल है आपके? कल कैसा रहा पहला दिन स्कूल में परी? तो स्कूल में छुट्टी टाइम पे तो ही थी? नहीं तो दोस्तों, दिल्ली में बारिश होने के बावजूद भी इतनी गर्मी हो रही है। खाली एक दिन के लिए बारिश पड़ी थी, उसके बाद आज धूप तो कम है लेकिन उमस इतनी हो रही है, इतनी हो रही है। अभी मैं काम से जरा बाहर गया था तो इतना पसीना आ गया, इतना पसीना आ गया, क्या बोले। और यही बारिश अगर पहाड़ों में पड़ती तो पहाड़ों में क्या ठंडा मौसम आता, लेकिन दिल्ली में बारिश पड़े या ना पड़े गर्मी तो होनी ही है। चलो भाई, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज सुबह मैं गया था ओखला, वहाँ से मैं कुछ काम था तो 12:30 बज गए थे। उसके बाद मैंने घर पे आके अपने जो छत है ऊपर, इस पे हमने प्लास्टिक डाला, क्योंकि बारिश के टाइम पे ना अंदर पानी आ जाता है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ ऊपर दिख जाके कैसा लगाया। ये देखिए, ये आपको सामने दिख रहा होगा पूरा, ये सारा हमने पूरा कवर करा है। यहाँ पे ईंट लगा के सारा ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ पे पूरा यहाँ से पूरा पानी आ रहा था। तो अब देखते हैं क्या होता है, जब बारिश पड़ेगी तब चलेगा पता कि काम सही हुआ है कि नहीं हुआ है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। तो आज सुबह की शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं गया था ओखला मंडी और वहां से मैं लेकर आया सब्जी। तो सुबह का जो मौसम था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब तो बारिश वाला मौसम हो गया था। तो मंडी पहुंचा था तो मतलब धूप से इतने बुरे हाल हो गए, क्या बोले। मतलब आजकल का मौसम ऐसी है, कभी धूप हो रही है कभी बारिश का मौसम हो रहा है, तो ऐसे में बीमार पड़ने का खतरा बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो दोस्तों, ओखला मंडी में वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, मतलब भीड़ इतनी होती है कि फोन निकाल के वीडियो बनाओ, अगर वीडियो बनाऊंगा तो धक्का मुक्की इतनी होती है कि वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। और फिर मैं सब्जी भी नहीं देख सकता, अगर मेरा ध्यान वीडियो में ही लगा रहेगा तो मैं सब्जी भी नहीं देख पाऊंगा। और गर्मी भी इतनी हो रही थी कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मेरा बनाने का, तो इसलिए मंडी की वीडियो नहीं बनाई है। अब देखते हैं, आज अभी थोड़ा मार्केट भी जाना है, तो आज हम बनाएंगे चिकन, तो उसके बाद अब घर की वीडियो बन पाएगी क्योंकि फिर अब बाहर तो जाना होगा नहीं। तो मिलते हैं आगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज परी एक गेम खेल रही है डॉक्टर डॉक्टर, तो आज परी बनी है डॉक्टर, तो मैं बना हूँ पेशेंट। मैं आऊँगा डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, मुझे ना बुखार हो गया है, पता नहीं कोई गोली दे दो। ठीक है, सुबह शाम। डॉक्टर साहब ठीक तो जाएगा ना बुखार? ठीक है डॉक्टर साहब, कितनी फीस हुई? ओहो सर, ये तो आपकी बहुत ही अच्छी बात है, आप पैसे नहीं मांगते हो, कितना भलाई का काम करते हो आप, भगवान आपका भला करे। डॉक्टर साहब दवाई देना। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। अच्छा भाई, नेक्स्ट पेशेंट आ जाओ। ठीक है डॉक्टर साहब, बाय। दोस्तों, अभी मैं गया था आईने मार्केट और वहां से मैं लेकर आया हूँ चिकन, तो आपको दिखाता हूँ अब चिकन कैसे बनेगा।
तो सबसे पहले जाएगा प्याज। तो ये डल गया है जी प्याज। अब जब तक ये गोल्डन ब्राउन होते हैं तब तक इसको देखते हैं। तो दोस्तों एक तरफ बन रहा है चिकन और एक तरफ बनेगा फ्राइड राइस, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ये डल चुका है क्या, ये जीरा और ये डल गया है प्याज। तो जब तक मेरा प्याज फ्राई होता है तब तक मैं जरा ब्रॉन्स का जूस पी लेता हूँ, गर्मी बहुत लग रही है। ये ब्रॉन्स का जूस हम लाए थे तीन धारा से, जो कि ऋषिकेश के थोड़ा ऊपर बढ़ता जाके। अब इसमें थोड़ा ऐड करेंगे पानी। अब लेते हैं ब्रॉन्स के जूस का आनंद। ब्रॉन्स का जूस काफी टेस्टी हो रहा है दोस्तों। ये अपने शरीर के लिए, पेट और लीवर के लिए, किडनी के लिए, सब चीज के लिए काफी अच्छा होता है। तो दोस्तों इसमें अब ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा ये फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद हम डालेंगे अपने मसाले। और ये ऐड कर दिए हैं मसाले, विद टमाटर, उसको थोड़ा हिला लेते हैं। तो यहाँ पे सब डाल दिए मसाले वगैरह, अब इसको थोड़ा हम ढक देते हैं। और इस तरफ भी हमारा राइस भी फ्राई होने लग गया है। तो दोस्तों जैसे ही ये थोड़ा सा ठीक होने लग जाए तो इसमें हम अब ऐड करेंगे, ये मैं आधा किलो लेकर आया हूँ 120 रुपए का, क्योंकि हम खाने वाले दो ही हैं, मैं और नित्य नहीं खाते हैं, बाकी घर में कोई नहीं खाता है, तो हमारे लिए ये इनफ होगा। तो अब इसको ऐड करते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको जरा हिला लेता हूँ। तो दोस्तों हमारा चिकन बनकर रेडी हो गया है। मैंने इसमें ज़्यादा मिर्च नहीं डाली है और कलर वाली मिर्च भी बहुत कम डाली है। तो अब ऐड करेंगे धनिया ऊपर से। तो दोस्तों अपनी प्लेट सज के तैयार हो गई है। ग्रेवी मैंने बहुत कम रखी थी, ज़्यादा ग्रेवी वाला पसंद नहीं है, साथ में खीरा है। और यहाँ पे परी खा रही है खाना, परी तो नहीं खाती है चिकन, तो ये अपना फ्राइड राइस खा रही है। और प्रीति के लिए मैं छोले लेके आया था, तो ये छोले में खा लेंगे। और साथ में है अपनी चटनी पुदीने और धनिए की। दोस्तों आज मैंने चिकन बनाया है और वाकई में इतना मस्त बन रहा है ना, मतलब अपने हाथ के खाने की तो बात ही कुछ और है। क्यों परी, परी आज मैंने चिकन बनाया है, इतना टेस्टी बन रहा है, मजा आ गया खाने में। खाएगी खाएगी दोस्तों, सही कहते हैं ना, अपना बनाया हुआ अपना ही होता है। बाय।